अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड्स को, स्टेप्स जो हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है रिकग्नाइज करना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम को कहा जाता है जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रही है। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो आ रही है उसका, उसको पहचानना कि ये आ कहाँ से रहा है, इसकी वजह क्या है। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि आजकल भी जो वायरस है, साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो उस चीज़ में है कि ये इसकी वजह क्या है, क्या चीज़ जो है इसके जो है वो किस वजह से ये स्प्रेड हो रहा है, क्या इसकी वजूहत है। इन सब चीज़ों को डिस्कस करना और डाटा को कलेक्ट करना, जो भी डाटा आए उसको कलेक्ट करना, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसका, उससे रिलेटेड जितना भी डाटा आए उसको कलेक्ट करना। तो फर्स्ट स्टेप में आप लोग ये करोगे, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो बीमारी है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रही है, तो उसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट स्टेप में आपने उसके डाटा को कलेक्ट किया, तो सेकंड में क्या होगा, उसको ऑब्जर्व करना, उसका मुशाहदा करना, मुशाहदा करना। अब ऑब्जर्वेशन में मैंने बताया कि आपकी 5 सेंसेस जो हैं वो यूज होंगी। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन बनती ही उन 5 सेंसेस को यूज करके हैं। वो 5 सेंसेस कौन सी हैं, आपका विजन, देखना उसको, ठीक है, हियरिंग, नेक्स्ट है स्मेल, टेस्ट एंड टच। इन सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए आप लोग ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करते हो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्रिएट करते हो। अब ऑब्जर्वेशन जो है वो दो तरह की है, दो तरह की किस तरह से है। एक ऑब्जर्वेशन है आपके पास क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है आपके पास, मतलब दो तरह से ऑब्जर्वेशन आप ड्रॉ करते हो, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है आपके पास बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कोई भी जो डाटा आपके पास आया है उसको जो है किस फॉर्म में आप बता सकते हो। अब वो डाटा अगर आप क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में बताते हो, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो आप लोग नंबर्स को यूज करते हो, मिकदार, किसी चीज़ की मिकदार। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर आप लोग अगर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बताते हो तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, इसमें आप लोग क्वालिटी बताते हो किसी भी चीज़ की। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो आपकी बुक में भी है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। अब ये आपके पास क्वालिटी है कि आप बता रहे हो कि फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का है वो कोल्डर है किससे, बॉइलिंग पॉइंट से। लेकिन अगर आप यही चीज़ इस तरह से बताओ कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0°C एंड इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100°C, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है या जो आपने बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। नंबर्स में आप लोग ज़्यादा अच्छा जो है किसी भी डाटा को बता सकते हो। अब एक और एग्जांपल है आपके पास, अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ इथेनॉल। ठीक है, अब इसमें आपके पास, इसमें भी आपको बता दिया कि ये चीज़ इससे ज़्यादा हैवी है, ये लाइट है। अगर वही आप लोग क्वांटिटी में बताएं कि लीटर ऑफ वाटर का वेट जो है वो क्या है, 1000 ग्राम, और लीटर ऑफ इथेनॉल का वेट जो है वो है 789 ग्राम, तो ये ज़्यादा बेहतर है या आप जो बता रहे हो क्वालिटी में कि इसकी क्वालिटी जो है वो कह लो ये हैवी है, लीटर ऑफ वाटर हैवी है और इथेनॉल जो है वो लाइट है। तो यहाँ से आपको, अगर आपके सामने ये नंबर्स हैं, क्वांटिटी है, तो आप लोग यहाँ से देख के कह सकते हो कि ये हैवी है, ये लाइट है। तो इस तरह से आप लोग के पास अगर कोई भी डाटा आया है तो आप लोग वो अपना जो है वो 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए और उसके बाद क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्व करते हुए इनको यूज़ करते हुए जितना भी डाटा आया है तो वो डाटा अब आपके पास जो है वो आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो है हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हाइपोथेसिस में जो है ना वो फर्जी बात है, आरजी। हाइपोथेसिस में आपके पास एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है, जो आपने ऑब्जर्वेशन में जितना भी डाटा कलेक्ट किया है उसको नेक्स्ट स्टेप में हाइपोथेसिस में यूज किया जाता है। अब जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो आपने ऑब्जर्वेशन में कलेक्ट किया डाटा उसको जुटलाने की 100% कोशिश करते हैं, यानी इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरह की
जो है वो बातें पूछी जाती हैं कि अच्छा आपने ये बताया तो इसको, मतलब उसको जिटलाने के तरीके, कि अगर आपने बताया है कि इस बीमारी का ये इलाज है या ये बीमारी की वजह ये है, तो उसको जिटलाने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट और डिफरेंट बायोलॉजिस्ट जो हैं वो बैठे होंगे और उसको जुटलाने की कोशिश करेंगे, तो उससे हो सकता है कि 50% चांसेस हैं वो चीज़ जो है जो आपने ऑब्जर्व किया तो वो आपके पास 50% ट्रू भी हो सकती है और 50% वो आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है। तो रिजेक्शन कह लें कि हाइपोथेसिस में जो है वो रिजेक्शन करवाने के लिए पूरा जो है वो किया जाता है। अगर तो रिजेक्शन हो जाए तो यहाँ से बात कैंसिल होके एक्सपेरिमेंट दोबारा से फिर फर्स्ट स्टेप से वो चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी, जो साइंटिस्ट हैं दोबारा से फिर उस पर वर्क करेंगे। लेकिन अगर उनके जुटलाने का तरीका या उनका रिजेक्शन जो है वो रॉन्ग है, अगर वो नहीं साबित कर सके या वो जुटला नहीं सके उस बात को, तो इट्स मीन जो बात जो ऑब्जर्वेशन आपकी आई है वो ट्रू है, तो फिर उससे आगे स्टेप जाएगा। तो हाइपोथेसिस में आपके पास ऑब्जर्वेशन जो है वो कंसीडर की जाती है, पहले ऑब्जर्वेशन होंगी तो ही आपके पास हाइपोथेसिस जो है वो हो सकेगा। तो इसकी डेफिनेशन, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है, इट माइट बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। हाइपोथेसिस के कुछ करैक्टर्स हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट है वो एक तो सिंपल होनी चाहिए, जनरल हो, मतलब इतनी ज़्यादा ना बताई कि ये ऐसे है कि ये बीमारी की वजह ये है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं। आपने ये सारा काम ऊपर टू स्टेप्स में करना है। हाइपोथेसिस में जो आपने स्टेटमेंट देनी है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद ये टेंटेटिव होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप कह लो कि यही बात बिल्कुल अगर आपने कह दिया तो ऐसा ही होगा, ये रिजेक्ट भी हो सकती है। उसके बाद इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो आपने ऑब्जर्वेशन बताई उससे ये रिलेट करती हो। इट शुड बी कैप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, बता दिया इसको, अगर आप जो बात कह रहे हो कि ये बीमारी की वजह ये है, तो अगर आपने जो ऑब्जर्व किया तो आप वो आपकी स्टेटमेंट को अगर कोई और भी टेस्ट करता है तो वो टेस्टेबल हो, ठीक है, टेस्टेबल हो, यानी अगर कोई भी साइंटिस्ट उस चीज़ पे वर्क कर रहा है तो उसको भी वही रिजल्ट मिले जो आपको मिल रहा है। तो ये हाइपोथेसिस के कुछ कहने के प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने करनी है। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास डिडक्शन। डिडक्शन जो है इफ देन लॉजिक कंडीशन इसमें यूज की जाती है, कॉन्सिक्वेंसेस यूज किए जाते हैं। अगर इसमें मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो बताती हूँ कि बायोलॉजिस्ट अगर किसी भी कोई भी प्लांट सेल का, उन्होंने प्लांट का एक छोटा सा सेल लिया, ठीक है, उन्होंने उसमें देखा कि उसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस है तो वो कहेंगे, बजाय इसके कि वो पूरे प्लांट को या उसके सारे सेल को जो है वो स्टडी करें, वो क्या बात करेंगे कि अगर एक सेल में न्यूक्लियस है, इट्स मीन बाकी जितने सेल्स हैं प्लांट के उनमें भी न्यूक्लियस होगा। तो वो उन्होंने सिर्फ एक को जो है वो एक छोटा सा उसका हिस्सा लेके उन्होंने कहा कि अगर इसके अंदर न्यूक्लियस है तो अंडरस्टूड है कि उसके अंदर भी होगा। तो डिडक्शंस में ये चीज की जाती है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि अगर उन्होंने कोई परिंदा देखा है, ठीक है, उन्होंने स्पैरो देखी है, अब वो जब वो देखेंगे उस बर्ड को, ठीक है, उसके कहेंगे कि इसके विंग्स हैं, तो वो दुनिया में जितने बर्ड्स हैं उन सबको स्टडी नहीं करेंगे, उन सबको देखेंगे नहीं, बल्कि वो क्या कह देंगे कि अगर बर्ड्स के विंग्स हैं तो जितने भी वर्ल्ड में जो है वो बर्ड्स हैं उन सबके विंग्स होंगे, ठीक है। तो डिडक्शंस में बेसिकली इन चीज़ों का किया जाता है। तो डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, और ये सारे स्टेप आपस में रिलेट करते हैं। उन्होंने इन जितना भी ऊपर डाटा प्रोवाइड किया जाएगा उसके बाद ये डिडक्शंस की जाएंगी, ठीक है। अब डिडक्शंस में भी जो है वो एक कह लें कि आपके पास अगर तो डिडक्शंस जो है वो प्रूव हो गई कि हाँ हाइपोथेसिस जो था वो 100% ट्रू था, तो उसके बाद डिडक्शंस भी आपकी जो है अगर 100% ट्रू हैं कि यही चीज़ जो है वो प्रूव हो रही है। मैं इसकी एग्जांपल भी आगे दूंगी, जैसे मलेरिया से रिलेटेड जो था ये स्टेप्स को सोल्व किया गया, जैसे मलेरिया बीमारी आई थी दुनिया में तो इन्हीं स्टेप्स को यूज करते हुए उसे सोल्व किया गया था कि वजह क्या है, उसको पहचाना क्या वजूहत है, किसकी वजह से फैल रहा है। ऑब्जर्व किया गया कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, लोगों के अंदर ये चेंजेस आ रही हैं। हाइपोथेसिस लोगों ने जो है वो साइंटिस्ट ने ड्रॉ किए कि हो सकता है इसकी वजह जो है कोई एनिमल है, हो सकता है इसकी वजह गंदा पानी पीना है, हो सकता है, मतलब इस तरह से फर्जी बातें। उसके बाद डिडक्शंस की गई, एक्सपेरिमेंट डिडक्शंस में उन्होंने चेक किया कि लोगों का जो ब्लड है उसको जो है टेस्ट किया गया, तो मतलब ये सारी चीज़ें, ये अभी आप लोग जनरल स्टेप्स देख रहे हो।
ठीक है। इसके बाद आपने पूरी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की एग्जाम्पल के साथ जब आप स्टडी करोगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएंगे आपके पास स्टेप्स। तो डिडक्शन जो है अगर आपके पास ट्रू है, अगर वो प्रूव हो चुकी हैं, वो चीज बिल्कुल एक्यूरेट है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा एक्सपेरिमेंटेशन का। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अच्छी तरह से इसे लर्न करें क्योंकि जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।